हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को फ़ोन रिसीव नहीं करना होता है, किसी का बिजनेस नहीं करना होता है, तो बार बार कोई फ़ोन कर देते हो। फ्लाइट मोड करने से वो हम लोग ऑनलाइन मतलब डेटा भी नहीं चालू कर सकते, लेकिन हम लोग को फ्लाइट मोड करके भी हम लोगों को डेटा ऑन करना है, तो वो कैसे करें? मतलब फ्लाइट मोड रहेगा फिर भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे कैसे, वो देखने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक का जरूर देखिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखने के लिए वीडियो को पूरा तक का जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक कोड टाइप करना है। डायल पर जाइए, स्टार हैज 4636 हैज स्टार, देन देखिए रिजल्ट आ गया। तो एक्चुअली मेरा पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप लोग का इंटरनेट कौन सा सिम से चल रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सिम दूसरा मैं अभी आप लोगों को फ्लाइट मोड करके दिखा देता हूँ। एक कर दिया फ्लाइट मोड, ओके फ्लाइट मोड हो गया। अब आपको कोड टाइप करना है, स्टार हैज 4636 हैज स्टार। ये देखिए एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कि मैं एक नंबर सिम से मैं डेटा चालू कर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक फ़ोन इन्फॉर्मेशन ऑन पे क्लिक करना है। ये देखिए फ़ोन इन्फॉर्मेशन ऑन पे क्लिक करने पे, ये देखिए नीचे जो मोबाइल रेडियो पावर ऑफ है, जस्ट आपको इसमें क्लिक करना है। ये देखिए ऑन हो गया। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर डेटा ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर डेटा ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। ये देखिए ना तो वाईफाई कनेक्ट है, ना तो डेटा कनेक्ट है, ना तो फ्लाइट मोड ऑफ है, मतलब फ्लाइट मोड भी चालू है, डेटा भी बंद पड़ा है, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, फिर भी नेट अगर यूज़ करोगे तो नेट चलेगा कैसे देखिए। ये देखिए मैं अभी यूट्यूब चला कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये देखिए डेटा चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से डेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये चल रहा है, ऊपर देखिए सब बंद है फिर भी डेटा चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, ये कमाल का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ये जो मैंने आपको अभी बोला ना, स्टार हैज 4636 हैज स्टार। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके ये जो बोल रहा है मोबाइल रेडियो पावर, ठीक है, तो इसको चेक करना है, तो ये आपका पावर कितना चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, मोबाइल के रेडिएशन को कैसे चेक करें। ठीक है, क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन अगर ज़्यादा होता है तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली उसको चेक करने के लिए वो एक कोड टाइप करना पड़ेगा आपको, कौन सा कोड देख लीजिए, स्टार हैज 07 हैज। ये देखिए इंडिया सार वन जी लिमिट 1.6 WKG, और नीचे देखिए सार वैल्यू 1.092 WKG। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मेरा जो ये रेडिएशन है, ठीक है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर 1.66 अगर होता ना, डायरेक्टली 1.62 या फिर 6 अगर दिखाई देता तो ये बहुत ही खतरनाक है, 1.6 इससे ऊपर होता तो खतरनाक है, लेकिन मेरा 1.092 मतलब ये बहुत ही उससे कम है। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उससे ज़्यादा होता तो बेहतर होगा इस मोबाइल को छोड़ दे, लेकिन मेरा तो उससे कम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, जो मेरा अगला ट्रिक है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर तो कई बार होता है कि आप लोगों को पता नहीं है चलता, लेकिन क्या होता है, वो आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर बड़ा हैकर चाहता है कि आपका कॉल वो किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करेगा तो कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए आपको एक कोड टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कोड को टाइप करने से आपको पता चलेगा कि नहीं आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं।
टाइप कीजिए स्टार हैज 21 हैज, डायल कीजिए। ये देखिए कॉल फॉरवर्डिंग, ठीक है, नॉट फॉरवर्डेड पैकेट नॉट फॉरवर्डेड, ठीक है, मतलब इसका मतलब फॉरवर्ड नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता है जो फॉरवर्डेड तो आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।